की सरकार। ये लोग आज जितनी यहाँ पुलिस बंदोबस्त करके रखा है, एक ज्ञापन देने आए थे, अपनी बात रखने आए थे, लेकिन ये हमसे डरते हैं। ये साथी चंद्रशेखर से डरते हैं, सहारनपुर के उन दलितों से डरते हैं और तमाम इंसाफ पसंद लोगों से वो डरते हैं। आप जितना भी आतंकित कर लीजिए, आप इंसाफ की आवाज़ को नहीं दबा सकते। योगी साहब बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गाय को हाथ नहीं लगा सकता, गाय को हाथ नहीं लगा सकता लेकिन इंसानों को मार सकता है, ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के घर को जला सकता है, ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। आप क्रिमिनल्स की बात कर रहे थे, जिन लोगों ने अखलाक को मारा था 2 साल पहले, आप सबको याद होगा, गौरक्षकों ने जाके अखलाक को मारा, बोला किसने गाय का मांस रखा है। 2 साल के अंदर किसी को सजा नहीं मिली है, अखलाक की फैमिली पे केस चल रहा है और जिन लोगों ने अखलाक को मारा था उन लोगों को देशभक्त बताया जा रहा है। वो तमाम लोग बेल पे छूट गए हैं, तमाम लोग बेल पे क्या छूट गए हैं, उनको सरकारी नौकरी मिल गई है। ये सरकार के वो पूरा का पूरा जो असली चेहरा है वो सामने लेकर आता है। आज इस देश में नौकरियां नहीं है लेकिन गौरक्षा की नौकरी है और गौरक्षकों को सरकारी नौकरी है, ये इस योगी आदित्यनाथ की सच्चाई है। आप क्रिमिनल्स की बात कर रहे थे, वो गौरक्षक आपकी नज़र में क्रिमिनल्स ही नहीं है। ये चीज़ हमको बार बार समझना पड़ेगा। आज धर्म और जाति के नाम पे जिस तरीके से देश को बांटा जा रहा है, बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि ताजमहल इस देश का प्रतीक नहीं है क्योंकि ताजमहल मुसलमानों ने बनाया था। एक सांसद ने जाके बोला, तो योगी आदित्यनाथ बोले कि नहीं, यह ताजमहल तो हमारे भारत माता के नौजवानों ने और भारत माता के सन्स एंड डॉटर्स ने बनाया था, तो वो ताजमहल भारत का प्रतीक है, यहाँ के मजदूर किसानों ने बनाया था। योगी साहब आपको एक बात बोलना चाहेंगे, सिर्फ ताजमहल नहीं, जो मोदी साहब विकास बोलते हैं ना, वो भी इस देश के किसानों मजदूरों के खून पसीने से बना है। जितने सारे किसान आज पार्लियामेंट सीट पे इकट्ठा है उनके खून पसीने से बना है और आज उनको भागीदारी नहीं मिल रही। जब वो भागीदारी मांगते हैं तो आप गौरक्षा के नाम पर बहिष्कार करते हैं, जब आप भागीदारी मांगते हैं तो आप उनको चंद्रशेखर की तरह जेलों के पीछे बंद करके रखते हैं। आपकी जेल कम पड़ जाएगी लेकिन इंसाफ की आवाज उठाने वाले लोग, अपने अधिकार की आवाज उठाने वाले लोग कभी आप जेलों के पीछे बंद नहीं कर सकते। आप कितने ज्यादा गुंडे लेकर आएंगे, आप कितनी पुलिस लगाएंगे, आपसे वादा है आज इतने लोग आए हैं, आने वाले दिनों में और भी लोग आएंगे और आपके ताबूत की कील में आखिरी कील साबित होंगे। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा अंत में, ये बोलते हैं उत्तर प्रदेश को राम राज्य बनाएंगे योगी आदित्यनाथ, ये मोदी साहब बोलते हैं नया भारत बनाएंगे, योगी आदित्यनाथ बोलते हैं राम राज्य बनाएंगे। उस राम राज्य की क्या सच्चाई है, वो पिछले 8 महीने में यूपी के अंदर बहुत सामने आ चुकी है। विकास की बात करते हैं, योगी साहब बात करते हैं राम मंदिर की, मोदी साहब बात करते हैं विकास की, इस विकास की सच्चाई क्या है। चुनाव से पहले बोले और चुनाव के बाद बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर के नाम पे धर्म के नाम पे बंटवारा करेंगे। पिछले 3 साल में अमित शाह के बेटे की एक कंपनी है, उसका नाम है टेम्पल एंटरप्राइजेस, मतलब मंदिर टेम्पल, ये बात कर रहे थे राम मंदिर की। पिछले 3 साल में सारा प्रसाद मोदी जी, योगी जी, आदित्य और ये आदित्यनाथ जी जाके तो उसी मंदिर में डाले हैं अमित शाह के बेटे के कंपनी के अंदर, और उसका मुनाफा 50 हजार से लेकर 80 करोड़ तक पहुंच गया है, 16 हजार मुनाफा हुआ है। वो इस देश को लूट रहे हैं और इस लूट पे कोई बात ना करे इसलिए इस देश को बांट रहे हैं। आज हम तमाम लोग सामने चैलेंज है, वो लोग कितनी भी गुंडागर्दी करें, वो लोग कितना भी आतंकित हों, अगर हम इनसे डरना बंद कर देंगे तो वो इनको झुकाएगा। इस संकल्प के साथ कि बार बार जब तक साथी चंद्रशेखर और साथी अखिल गोगोई को छूट नहीं मिलती, जब तक रासुका जैसे कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, जब तक जाति का खात्मा नहीं होता और जब तक संघ को इस देश से उखाड़ के फेंक नहीं दिया जाता, हम बार बार सड़कों पर आते रहेंगे, सड़कों पर, खेतों में, खलिहानों में, सहारनपुर में, बाहर जगह आपके खिलाफ आवाज को एक एक बनाएंगे और आपको हराएंगे, इस देश से निकालेंगे। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम।